रतलाम जिले के जावरा शहर में एक अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसमें एक मठ पर कुछ समाजजनों ने कब्जा कर एक समिति गठित कर अपने द्वारा संचालित किए जाने का मामला है। मामला जावरा के नया मालीपुरा मोहल्ले के एक मठ मंदिर का है, जिसका सर्वे नंबर 512 और रकबा नंबर 0.126 है। मंदिर शिव पार्वती का होके वर्षों पुराना है, जो कि शासकीय रिकॉर्ड अनुसार मंदिर शासकीय संपत्ति है, जो कि प्रबंधक कलेक्टर के अधीन है। मंदिर शासकीय होकर सभी समाजजनों के लिए दर्शन और पूजा के लिए सार्वजनिक है, किंतु उक्त मंदिर पर एक वर्ग विशेष फूलमाली समाज द्वारा बिना शासन की अनुमति के उक्त मंदिर पर एक समिति गठित कर कब्जा कर लिया है। उक्त मंदिर को फूलमाली समाज की धरोहर बताते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि उक्त मंदिर सिर्फ फूलमाली समाज का ही है और वे लोग अन्य दूसरे समाली समाज जैसे मेवाड़ फूलमाली समाज, सैनी समाज के लोगों को वहाँ पूजा करने से और दर्शन करने से रोकते हैं। यह मंदिर पुराना होने के कारण शासकीय भूमि भी है, जिसका सर्वे नंबर 513 रकबा क्रमांक 0113 है और सर्वे क्रमांक 514 रकबा क्रमांक 0.443 है। कुल रकबा 0.456 है, जो 20x200 फीट का है, जिसके निर्माण की राशि सांसद निधि द्वारा अर्जित की गई है। उक्त समाज द्वारा कई वर्षों से मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया है, उससे भी धर्मशाला बनाने में लगाया गया है और वह धर्मशाला को किराए पर देकर धन अर्जित कर कुछ समाज के लोगों ने अपनी जीविका और आय का साधन बना लिया है। रतलाम से राहुल बेलागी की रिपोर्ट। पूजा करता हूं यहां पे माली समाज का मंदिर, माली समाज नया मालीपुरा मठ मंदिर की। ये कौन से माली समाज का मंदिर है? ये नया मालीपुरा है, माली समाज है, पूरा माली समाज का मंदिर है। अभी ये माली समाज में दो काल हो गए हैं। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इनके ही माता फोड़ी मंदिर के सिलसिले में क्या क्या बोल रहे हैं? आधे मंदिर बनाने के पैसे दिए, आधे में दिए नहीं। ये है मंदिर खास हाथी वालों का मठ मंदिर क्या? तो इनने अभी इनके सूत्रत है मंदिर नया मालीपुरा होगा क्या, ये संभाल गए अभी। तो आप यहाँ सर्विस में हैं? हाँ, पुजारी जी। आप कितने समय से पूजा कर रहे हैं? मैं यहाँ पे मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल से आप पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? ऐसा विवाद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले कभी भी हुआ? नहीं, फर्स्ट टाइम। ये जो मंदिर के ऊपर नाम लिखा गया है, हाँ, ये कौन सी समाज ने लिखा है? ये माली समाज ने लिखा है। ये पहले मठ मंदिर था, अब महादेव मंदिर कर दिया है, नीलकंठ महादेव। नहीं, इसमें कोई समाज का भी नाम दिया गया है? माली समाज ने अपना खुद का भी नाम दिया गया है मंदिर पर? नहीं, मंदिर नया मालीपुरा ही है, मालीपुरा का क्या, माली समाज के नाम से ही है। दोनों जो माली समाज है, इनके बीच में किस बात को लेकर विवाद चला है जो आप बता रहे? ये मालूम नहीं मेरे को इनके समाज क्या क्या विवाद चल रहा है, क्या नहीं क्या। ये कौन लोग हैं जो झगड़ रहे हैं आपस में? एकदम ये भोई माली, मेवाड़ा माली, और एक ये माली फूल माली। फूल माली और मेवाड़ा माली में झगड़ा चल रहा है जी। आज का मामला ये था कि जावरा में नया मालीपुरा स्थित एक मठ मंदिर है, जो कि संयुक्त माली समाज का है और सभी माली समाज के लोग वहाँ मठ मंदिर में आते जाते हैं, परंतु पिछले कुछ विगत महीनों से कतिपय लोगों द्वारा वहाँ एक अवैध समिति बनाकर उसका संचालन प्रारंभ कर दिया और आज संयुक्त माली समाज ने उनके वास्तविकता के लिए आज यहाँ ज्ञापन सौंपा है SDM साहब को, ताकि वहाँ व्यवस्थित समिति का, नई समिति का निर्माण हो और वहाँ भी जो भी संचालन हो रहा है वो सभी संयुक्त माली समाज के हिसाब से हो। जो माली समाज है उसमें कार्यक्रम करते हैं, ऐसा सुना है हमने सूत्रों के अनुसार कि उनको भगा दिया जाता है वहाँ। हाँ, वहाँ क्या हो रहा है कि माली समाज में भी बैठक व्यवस्था रहती है, शाखाएँ रहती है, और चूँकि संख्या के आधार पर एक शाखा द्वारा वहाँ उस पर आधिपत्य जमाया जा रहा है, और जब अन्य शाखा के लोग, मतलब अन्य माली समाज के लोग वहाँ जाते हैं, तो उनसे कहा गया कि भाई आप अभी आपकी बुकिंग नहीं की जाएगी और इस बुकिंग को अगर हमारे यहाँ अगर कोई आ जाएगा तो अगर आपकी बुकिंग है तो भी कैंसिल कर दी जाएगी। इस तरह से वो विगत 4-6 महीने से मंदिर पर भी नाम दे दिया गया है। हाँ, एक चीज़ और हुई है कि पिछले दिनों वहाँ सार्वजनिक रूप से सभी समाजों ने मिलकर वहाँ पैसा दिया, चंदा दिया और एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ, उससे भी कोई हमें आपत्ति नहीं थी, परंतु जो मंदिर है उस पर भी उन्होंने उनका जो है एक विशेष शाखा का नाम लिख दिया है। जैसा कि दलितों को मतलब मंदिरों में नहीं जाना दिया, जाने दिया जा रहा है, इस तरीके से क्या कोई माहौल है वहाँ का? नहीं, मंदिर पे नहीं जाने देने वाला तो माहौल नहीं है, परंतु ये जो कमर्शियल वहाँ उपयोग हो रहा है और उसकी बुकिंग को लेकर जो समस्याएं पैदा हुई, मेन मुद्दा हमारा वही था और हम भी ये चाहते हैं कि संयुक्त माली समाज के हिसाब से वहाँ संचालन हो